जय हिंद, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार एंड सत श्री अकाल। तो कैसे हैं आपके हाल चाल? तो जैसे अभी बहुत सारी बड़ी बड़ी मूवीज एंड वेब सीरीज पेंडिंग पड़ी हुई हैं ओटीटी रिलीज के लिए, जैसे कि मिर्जापुर, सनफ्लावर का सीजन 2, महारानी का सीजन 3, पंचायत का सीजन 3 और बाकी भी कई सारी वेब सीरीज और बॉलीवुड मूवीज जो अभी कुछ टाइम पहले थिएटर्स में रिलीज हुई थी, जिनमें से कई सारी कन्फर्म हो चुकी है जो अभी हमें मार्च मंथ में ही देखने को मिलने वाली है। तो कौन सी होने वाली है वो बड़ी बड़ी वेब सीरीज एंड मूवीज, उन सभी के बारे में ही मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो इसी बढ़िया अपडेट के लिए इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना तो बनता है। बाकी अगर हमारी वीडियोज अच्छी लगती है तो वो नीचे लाल रंग का सब्सक्राइब वाला बटन भी जरूर दबा देना, जिसमें सबसे पहले है इंडियन मोस्ट अवेटेड हिंदी वेब सीरीज पंचायत का सीजन 3, जो एक गांव की कहानी वाली बड़ी कॉमेडी ड्रामा वेब सीरीज है, जिसे इंडिया की टॉप वेब सीरीज माना जाता है। और ये इस सीरीज का सीजन 3 होने वाला है, जिसमें हमें जितेंद्र शर्मा की कहानी आगे बढ़ते हुए देखने वाली है। और इस बार कॉमेडी का तड़का और भी ज्यादा लगने वाला है, जैसा कि इस सीरीज के मेकर्स की ओर से प्रॉमिस किया गया है। तो इसकी भी अभी रिलीज डेट निकल के सामने आ चुकी है, जो अभी हमें मार्च मंथ में ही देखने को मिलेगी, जिसकी रिलीज डेट होने वाली है 15 मार्च की। तो ये अभी ऑलमोस्ट कन्फर्म हो चुका है, जिसका इंतजार हो रहा है बस ऑफिशियल कन्फर्मेशन होने का, जिसका टीजर हमें मार्च मंथ के पहले वीक में देखने को मिल जाएगा, मतलब के नेक्स्ट वीक में, जिसको अभी अमेज़न की ओर से प्रमोट करना शुरू भी कर दिया गया है, जैसा कि आप इस स्क्रीनशॉट में देख पा रहे हो, जो अमेज़न प्राइम की ओर से उनके इंस्टाग्राम हैंडल पे पोस्ट किया गया है कुछ टाइम पहले ही। तो ये सीरीज अभी हमें 15 मार्च से अमेज़न प्राइम के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे देखने को मिलने वाली है। तो अभी आपका भी इंतजार खत्म होने वाला है और मैं भी इस सीरीज का बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ। इसके बाद सोनी लिव के ओटीटी प्लेटफॉर्म की ओर से काफी टाइम पहले रिलीज की गई थी एक बढ़िया पॉलिटिकल क्राइम मिस्ट्री इंडियन वेब सीरीज महारानी, जिसके अभी तक 2 सीजन रिलीज हो चुके हैं और दोनों सीजन को ही बहुत ज्यादा पसंद किया गया है इंडियन ऑडियंस की ओर से। तो अभी इस सीरीज का सीजन 3 भी रिलीज के लिए रेडी हो चुका है, जिसकी रिलीज डेट भी सोनी लिव की ओर से अनाउंस कर दी गई है, जो भी अभी हमें 7 मार्च से ही सोनी लिव के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे देखने को मिलने वाली है, जिसमें हम पॉलिटिक्स की कहानी देखने को मिलती है और अपने पति के घायल हो जाने के बाद उसकी पत्नी रानी भारती को चीफ मिनिस्टर बना दिया जाता है उस राज्य का। तो अभी उसी कहानी को आगे बढ़ाते हुए इस सीरीज का सीजन 3 भी आने वाला है, जो 7 मार्च से सोनी लिव के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे रिलीज कर दिया जाएगा। इसके बाद मार्च मंथ में ही रिलीज करने के लिए डिज्नी प्लस हॉटस्टार की ओर से भी एक नई वेब सीरीज को अनाउंस कर दिया गया है, जिसका नाम है केरला क्राइम फाइल्स, जिसका सीजन 2 अभी रिलीज होने वाला है जल्दी ही, जिसकी अभी अनाउंसमेंट डिज्नी प्लस हॉटस्टार की ओर से ऑफिशियली भी कर दी गई है, जिसका सीजन 1 लास्ट ईयर 2023 में ही रिलीज किया गया था और काफी बढ़िया वेब सीरीज रही थी, जिसकी कहानी एक गाँव में हुए लॉज के मर्डर से शुरू होती है, जिसके बारे में कोई भी सबूत नहीं मिलता और कातिल भी आजाद घूम रहा होता है। तो अभी उसी कहानी को आगे बढ़ाते हुए इस वेब सीरीज का सीजन 2 भी जल्दी ही आने वाला है, जो साउथ की लैंग्वेज के साथ साथ हिंदी डब में भी रिलीज किया जाएगा, जो मार्च मंथ के लास्ट वीक में हमें देखने को मिलेगा, जिसे डिज्नी प्लस हॉटस्टार के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे मार्च मंथ के 4th वीक में रिलीज कर दिया जाएगा। इसके बाद नेटफ्लिक्स की ओर से एक नई हिंदी मूवी को डायरेक्ट डिजिटल प्रीमियर किए जाने का अनाउंस कर दिया गया है, जिसका नाम है मर्डर मुबारक, जिसमें हमें हिंदी मूवी इंडस्ट्री के बहुत बड़े बड़े सुपरस्टार्स देखने को मिलने वाले हैं, जिसमें पंकज त्रिपाठी, विजय वर्मा, डिंपल कपाड़िया और भी कई सुपरस्टार्स देखने को मिलने वाले हैं, जिसकी कहानी कॉमेडी हमेशी वाली होने वाली है, मतलब के डार्क कॉमेडी, जिसमें क्राइम के साथ साथ हमें हंसाया भी जाएगा। और कहानी होने वाली है मुंबई के एक बड़े क्लब में हुए एक मर्डर के बाद की, जिसकी वेब रिलीज डेट कन्फर्म कर दी गई है, जो अभी हमें नेक्स्ट मंथ 15 मार्च से नेटफ्लिक्स के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे देखने को मिलने वाली है। ये एक बड़ी मूवी होने वाली है, जिसका भी इंतजार काफी हिंदी ऑडियंस को बेसब्री से था। इसके बाद अभी कुछ टाइम पहले ही थिएटर में रिलीज हुई थी साउथ के सुपरस्टार विजय सेतुपति के साथ कैटरीना कैफ की एक बढ़िया क्राइम मिस्ट्री थ्रिलर मूवी मैरी क्रिसमस, जिसे काफी अप्रिशिएट भी किया गया थिएटर्स में, और अभी इस मूवी का ओटीटी रिलीज होने का इंतजार हो रहा है, जिसकी उम्मीद तो थी कि हमें फरवरी मंथ में देखने को मिलेगी, जो अभी हमें इस मंथ तो नहीं लेकिन 8 मार्च से नेटफ्लिक्स के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे देखने को मिलेगी। ये अपडेट एक बड़े मीडिया हाउस की ओर से आ रही है, जैसा कि आप इस स्क्रीनशॉट में देख पा रहे हो। इसके बाद 25 जनवरी को ही थिएटर्स में रिलीज हुई ऋतिक रोशन की हिट वॉर एक्शन थ्रिलर मूवी फाइटर अभी जल्दी ही ओटीटी पे रिलीज होने वाली है, जिसकी रिलीज डेट मार्च मंथ में ही होने वाली है। अभी उसको लेके कई मीडिया हाउसेस की ओर से भी कंफर्म किया जा रहा है, जो अभी हमें 21 मार्च से नेटफ्लिक्स के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे देखने को मिलने वाली है। ये अभी जैसे जैसे मार्च मंथ नजदीक आता जा रहा है, वैसे वैसे इसकी रिलीज डेट कन्फर्म होती जा रही है। जैसे कि एनिमल मूवी की रिलीज डेट काफी टाइम पहले ही कन्फर्म कर दी गई थी, वैसे ही अभी फाइटर मूवी की भी रिलीज डेट कन्फर्म होती जा रही है। तो ये मूवी हमें मार्च मंथ के ही 3rd वीक में देखने को मिलने वाली है, जिसे नेटफ्लिक्स के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे रिलीज कर दिया जाएगा। इसके बाद अमेज़न प्राइम के ओटीटी प्लेटफॉर्म की ओर से कुछ टाइम पहले ही बॉलीवुड एक्ट्रेस सारा अली खान के साथ एक नई मूवी को अनाउंस किया गया था, जिसका नाम है ए वतन मेरे वतन, जो एक स्पाई क्राइम सस्पेंस थ्रिलर मूवी होने वाली है, और इस मूवी की अभी रिलीज डेट भी कंफर्म कर दी गई है, जो अभी हमें मार्च मंथ में ही देखने को मिलने वाली है, जिसकी रिलीज डेट होने वाली है 21 मार्च की, जिसको अभी अमेज़न की ओर से ऑफिशियली भी कंफर्म कर दिया गया है इस मूवी का एक नया पोस्टर रिलीज करते हुए, जो आप अमेज़न प्राइम के सोशल मीडिया हैंडल्स पे देख सकते हैं, जिसमें कहानी हमें एक यंग लड़की स्पाई एजेंट की देखने को मिलने वाली है, जिसने इंडिया की आजादी में एक इंपॉर्टेंट रोल निभाया था, जो मूवी की कहानी सच्ची कहानियों से इंस्पायर्ड है और ये एक मस्ट वॉच रिकमेंडेड मूवी होने वाली है, जिसे अभी 21 मार्च से ही अमेज़न प्राइम के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे रिलीज कर दिया जाएगा।
इसके बाद काफी टाइम पहले थिएटर में रिलीज हुई थी साउथ की एक बढ़िया एक्शन क्राइम थ्रिलर मूवी जिसका नाम है ऑक्सीजन, जो अभी हमें 25 फरवरी से ही गोल्ड माइंस के टीवी चैनल पे देखने को मिलने वाली है टीवी प्रीमियर होते हुए, जो 25 फरवरी की रात 8 बजे से गोल्ड माइंस के टीवी चैनल पे टीवी प्रीमियर होने वाली है। तो ये थी अभी तक की कंफर्म हुई ओटीटी पे आने वाली बड़ी बड़ी मूवीज। बाकी आने वाले दिनों में और भी बहुत सारी मूवीज एंड सीरीज अनाउंस होती रहेंगी, तो ऐसी बढ़िया अपडेट्स लेते रहने के लिए वो नीचे सब्सक्राइब वाला बटन जरूर दबा देना अगर आपने अभी तक नहीं दबाया है। तो मिलते हैं कल वाली वीडियो में, जिसमें मैं आपको इस फ्राइडे एंड सैटरडे को रिलीज होने वाले बाकी बढ़िया कंटेंट के बारे में बताने वाला हूँ। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें और बुरी सोच वाले लोगों से दूरी बनाए रखें। टाटा बाय बाय।